आपको पिछली क्लास में स्टूडेंट में हमने 3.2 एक्सरसाइज का एक सम बताया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का अगर रेशियो फाइंड किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इस पे क्या रहेगा, एक और सम है, कॉट एक्स इक्वल टू गिवन है 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बता रहे हैं। इसमें भी हमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड कर देंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। फर्स्ट ये होता है सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में होता है टेन और कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें आल पॉजिटिव, यानी सारे ही वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। कॉट एक्स कॉट थीटा कह सकते हैं, क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर, बेस यानी 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जब हम इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 25। हाइपोटेनस जब हम किसी संख्या से स्क्वायर कैसे हटा दे रहे हैं तभी तो रूट आया, तो हम इसका रूट लेंगे, रूट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 25 यानी 5। ये इसका हाइपोटेनस आएगा। अब हमें क्या करना, कॉट को छोड़कर बाकी सारे मैंने बता दिया। कॉट को छोड़कर कौन कौन सी हुई, एक तो साइन एक्स हो गई टी अपॉन एच, फिर कॉस एक्स हो गई बी अपॉन एच, फिर टेन एक्स टी अपॉन बी, फिर कॉट आ गया उसमें तो सेक एक्स एच अपॉन बी एंड फिर कॉस एक्स एच अपॉन टी साइन ए। केवल टेन और कॉट के पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि टेन क्या रहेगा पॉजिटिव। यहां आया माइनस टी अपॉन एच, टी क्या है आपका, ध्यान देखिए ये है आपका बी, ये है टी और ये टी है हमारा 4 और अपॉन में 5। बी अपॉन एच माइनस बी है 3 अपॉन में एच 5। टेन एक्स चाहे तो आप इसको देखें कोट का उल्टा होता है तो इसको रिवर्स कर देंगे 4/3। हाइपोटेनस अपॉन बेस तो माइनस एच, एच की वैल्यू 5 अपॉन में बेस 3 माइनस 5 अपॉन में परपेंडिकुलर। ये जो कहलाती है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन है, साइन 765 इसकी वैल्यू बताएं। आपने जो वैल्यू पढ़ी किसको पढ़ी, साइन 0 से लेके स्टार्ट होती है 90 तक पढ़ी, तो हम पहले इसको इस टाइप से क्या करेंगे कि हमारी वैल्यू 90 तक की टेबल में आ गई। तो हम हमेशा अधिकतर इसको ध्यान रखते 720 करेंगे, यानी 360 की फॉर्मूले लेते हैं। तो हमारा क्या होता है 360 की फॉर्मूले लेने का पूरा काम लग गया, और काम लगने के बाद इसमें आ गया फर्स्ट में आ गया। अब इससे ऊपर बनता है, फर्स्ट में सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है और कोई चेंज नहीं होता। तो चेंज कब होता है, इन केस 90 और 270 केस में क्या होता है कि अगर साइन है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन है टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक है सेक का कॉसेक एंड कॉसेक का सेक हो जाता है। अब हमें क्या करना है, बस साइन इसको हमने ब्रैक किया 2 × 360 हम पाई मिल सकते हैं। एक चक्कर पूरा लगा 1 राउंड यानी सेकेंड राउंड यानी 2 राउंड 2 × 360 प्लस कितना बचा हुआ, देखिए ये हो गया 720। अभी हमारा बनाना कितना था 65, कितना और बचा हमारा देखेंगे। 765 बनाना था, 5 बचा और 6 − 2 4 वो हमारा कितना आ गया, क्योंकि हमारी ये वैल्यू अभी कम है और हमें बनानी थी 765 तो वैल्यू आगे प्लस का। अगर हमारी ये वैल्यू ज्यादा हो तो हम माइनस का, ठीक है। अब साइन
360 प्लस साइन का 360 में साइन ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, एंगल जो आगे है वो ही रहता है, प्लस वाला हो या माइनस वाला। केवल चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है हमारा कि यहाँ प्लस आ गया या माइनस। तो हमने देखा 360 प्लस, 360 प्लस इसमें आ गया पाए, तो फर्स्ट में सब भी प्लस हो पाए, तो साइन 45 वैल्यू 1/2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, एक स्टेप ले लीजिए, 8 है 10 पाई बाय 19 पाई अपॉन 3, तो 10 19 अपॉन 3 तो ऐसे ही, तो यहां पर कुछ नहीं है तो इंक्लूड हो गया, और पाई की वैल्यू हमेशा ही एंगल होती है 1 होती है, तो रखेंगे 180, 3 से गया 6 बार तो ये हो गया 10, 19 इंटू 60 यानी 10 कितना हो गया 11/4, शायद देख सकते हैं 0 का 0 और 6 9 का 54, 6 1 का 6 एंड 5 11, डायरेक्ट टेक इनटू 96 का 114 एंड 0 का 0। अब हमें इसको ब्रैक करना है, 10 हमने देखा 3 × 360 कितना हो गया, ये बनाना था लेकिन 14 और बना है हमारा 108, क्योंकि 36 थी जब 108 और 0 आ गया, अब हमारा बचा कितना 0, 40 माइनस 8 6 यहां से इन 60 बचा, तो वो किस में आ जाएगा प्लस। अब मैंने बताया था 10 का 360 में कोई चेंज नहीं, और जो वैल्यू प्लस माइनस होती वो आगे आ जाती है। अब बात करें किसके यहां के साइन, तो यहां का साइन जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग चलता है कि यहां पर क्या आ रहा, यहां पर हमने देखा कि 360 प्लस है, 360 हमारा यहां होता है, 360 प्लस गया इसमें आया, तो इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो 1060 वैल्यू √3, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों तरीके के सम बता दिए हैं, पाई वाले भी और बिना पाई के जो केवल एंगल है, ठीक है। अब देखिए रेडियन और डिग्री वाले तो हो गए, 3/3 एस साइन है इसी में आगे, फर्स्ट सम है उसका साइन स्क्वायर पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इच इक्वल टू माइनस 1, ये हमने प्रूफ कर दिया, इसमें हमने लिया है LHS नहीं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा पाई एच से, तो आप पाई की जगह 180 रखें, तो 180 अपॉन 6 यानी 30 कॉस स्क्वायर, जब यहां 180 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 6 माइनस 10 स्क्वायर 180 रखेंगे तो 45, अब वैल्यू साइन 30, साइन 30 होता 1/1 और उसका भी क्या हो गया प्लस, कॉस 60 होता 1/1 और उसका भी, एंड 10/45 1, तो 1 का भी, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का 1, हमने इसमें क्या करा, इसके नीचे कुछ नहीं बन ले और एलसीएम ले 4 से 4 कैंसिल 1, प्लस का साइन है प्लस है, 4 से 4 कैंसिल 1, माइनस साइन है माइनस है। अब हमने देख लिया पर 1 तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 बार ही जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने 4 बन गया, तो ये आ गया 2 − 4 यानी −2/2, ये आ गया ऊपर बचा माइनस का 1 और अपॉन में, और यही हमने आर एच एस में लाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी प्रॉब्लम जाती है अगर तो जूम क्लास चलती है, बताइए आपको शनिवार यानी सैटरडे और बैठे उसमें आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड 2 sin² पाई बाय 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इनटू में ही है इसमें कॉस स्क्वायर,
पाई बाई आंसर में लाना है 3/2। तरीका वही है किसी भी सॉल्व सम को सॉल्व करने के लिए कि हम एलएचएस लेंगे, अगर एलएचएस आरएचएस नॉन टू ऐसे इसका क्या हुआ मीन्स पाई बाई सिक्स का साइन स्क्वायर एंड कॉस एक्स स्क्वायर इसका क्या हुआ देखिए सिक्स से डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना आएगा 30 30 के सेवन से डिवाइड करेंगे तो आएगा 210 एंड कॉस स्क्वायर ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें देखना होगा इसको क्या करेंगे दैट करेंगे इसमें करेंगे 180 एंड प्लस देखो टोटल उनके 210 होंगे यहाँ पर मिसाल लगा देता हूँ इसको ब्रैक किया एंड कॉस स्क्वायर अब 2 साइन स्क्वायर 30 यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो एंगल होता है 90 और 180 एंड 270 और यहाँ होता है 0 एंड ये मैं बताने की हम पहले कि इसमें साइन कॉस है पॉजिटिव टेन पॉट पॉजिटिव कॉस है पॉजिटिव और आल तो हमने देखा 180 प्लस 180 से प्लस आया इसमें आया इसमें टेन और पॉट पॉजिटिव होते हैं लेकिन ये क्या है कॉस है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव यानी माइनस का कॉस है स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अब टू ऐसे साइन 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 होती है स्क्वायर माइनस का स्क्वायर अगर प्लस ही हो जाता है प्लस लगा दिया है कोसेक 30 कोसेक 30 होता है हमारा टू टू का भी हो गया स्क्वायर एंड कॉस 60 होता है 1/2 और 1/2 का हो गया टू ऐसे ही यहां आया 1/4 2 + 4 = 1 2 + 2 = 2 2 + 1 = 2 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
नेक्स्ट हमें साइन 75
टेन उससे फोर और लास्ट है परसेंट एंगल पहला थ्री दूसरा थर्ड थर्ड 45 लास्ट से पहले वाला 60 और लास्ट वाला नहीं स्टैटिक हमारी 0 डिग्री से हो रही है तो स्टैटिक हम 0 से ही करेंगे 0 1 2 3 और चाहे हम पहली लाइन का भी बस सबसे बड़ी नंबर से डिवाइड कर दूं इन सभी का लूंगे बस बन गए देखिए क्या जीरो अपॉन फोर इसका मिलेंगे वन अपॉन यहां से आया वन अपॉन यहां से आएगा रूट थ्री अपॉन और यहां पर कॉस थ्री हम बस नहीं देते तो वन रूट थ्री अपॉन टू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन टू एंड अब क्या आना है टेन होता साइन अपॉन कॉस यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से बैठे जीरो अपॉन वन इसको डिवाइड करेंगे वन अपॉन टू इसको डिवाइड करेंगे वन इसको डिवाइड करेंगे रूट थ्री नीचे घर की वैल्यू होगी और जब जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो से किसी संख्या में डिवाइड करने का आता है इनफाइनाइट अब कॉस के लिए इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे इनफाइनाइट रूट थ्री वन वन अपॉन रूट थ्री एंड लास्ट हो गया जीरो अब सेट सेट हमेशा कॉस का उल्टा होता है यह है स्कूल का फॉर्मूला वन टू अपॉन रूट थ्री रूट टू अपॉन वन टू अपॉन वन और जब इसका उल्टा करेंगे तो वन अपॉन जीरो यानी ये पूरी टेबल आपको बनाना बता दें नेक्स्ट है रूट थ्री बचा अपॉन में टू से टू कैंसिल टू माइनस रूट
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा सुन लीजिए, 10 45 30 को हमने सेलेक्ट कर दिया बाद में से, उसके बाद 10 45 30 दोनों की वैल्यू लगाएं, वैल्यू लगाने के बाद उसे एलसीएम लिया, एलसीएम से कैंसिल हो गया, स्विच जो हमारा बचता है उसका रिस्टलाइज करते हैं, रिस्टलाइज में स्विच वाला आ रहा है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करके बैठ कर ऊपर बना होल स्क्वायर, नीचे बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हमने लगाया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये 3 माइनस 1 2, अब हमने 3 और 1 को ऐड